नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 10 सालों में मोदी नीति ने एलएसी और एलओसी पर क्या क्या बदला है, ये आज टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड जीरो से साहसिक रिपोर्टिंग में सामने आएगा। आज आपको एलएसी पर तैनात नए और आधुनिक हथियार दिखाए जाएंगे जो लाल सुल्तान के विस्तारवादी मंसूबों को खाक में मिला देंगे। इसीलिए अब देखिए चीनी कुचक्र ध्वस्त ग्राउंड जीरो पर टीवी 9 भारतवर्ष। युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। एलएसी से बेहद नजदीक अपनी अल्ट्रा एडवांस होविट्सर गन M777 को तैनात किया है। ये घातक पलटून जो है वो घातक जो ऑपरेशंस होती है वो उसको करती है। हमारी ट्रेनिंग और जो हमारा इक्विपमेंट है वो काफी आले दर्जे का है। हमारी विधिक कार्य कुशलता को देखते हुए फॉर्मेशन द्वारा हमें एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल पर जाने का आदेश दिया गया है। भूमि के ये रणबांकुरे एक मार्शल आर्ट करके दिखा रहे हैं, एक ऐसी आर्ट जो कि खास तौर से उन्हें सिखाई गई है बिना हथियारों के दुश्मन को चारों खाने चित करना। चाइना के पास भारत की ये वो मजबूत तैयारी है जिसे देखकर कहीं ना कहीं चीन को इस वक्त बौखलाहट जरूर हो रही होगी। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज आप वो देखने वाले हैं जो अब तक टीवी पर कभी नहीं देखा गया। इस वक्त जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग मौजूद हैं बिल्कुल एलएसी के पास। एलएसी की वो लोकेशन जो कि नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ईस्ट लोकेशन पर आती है। एलएसी पर चीनी कुचक्र को ध्वस्त करने वाली तैयारी पहली बार टीवी कैमरे पर। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास और बेहद रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे जवानों की ये तैयारी इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत का पहला गांव, दूसरी तरफ चीन का पहला बॉर्डर पोस्ट, ठीक एलएसी पर खड़े होकर रिपोर्टिंग देखिए। ठीक सामने पड़ता है जो चाइना का जो पहला गांव है टाटो, और वहीं पर उनकी आर्मी की पोस्ट है। ये नया भारत है जो सरहद पर हुई हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। पिछले 10 सालों में एलएसी पर बड़ा बदलाव आया है। अब दुश्मन की एक गोली के बदले 10 गोले दाग कर हिसाब चुकाया जाता है। आज टीवी स्क्रीन पर पहली बार एलएसी पर तैनात वो नए हथियार देखिए जिनसे जरूरत पड़ने पर विस्तारवादी बीमारी से ग्रस्त लाल सेना का पक्का इलाज हो जाएगा।
एलएसी पर तैनात जंगबाजों के हाथों में अब नए और आधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं। विस्तारवादी चीन के सामने अभेद्य दीवार बनकर खड़े भारतवर्ष के योद्धाओं के हाथों में ये नए हथियार कैसे लगते हैं? ये महसूस करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बेहद दुर्गम टेरेन में एलएसी पर तैनात जवानों से मिलने पहुंची तो हमारा स्वागत चीन के मोबाइल नेटवर्क ने किया। सबसे पहले मेरे फोन ने जो मैसेज मुझे दिखाया, देखिए यहाँ पर आने के बाद मेरे फोन ने चाइना का नेटवर्क पकड़ना शुरू कर दिया है और देखिए इस पर लिख कर आया है वेलकम टू चाइना। तो इस तरीके से ये साबित होता है कि हम बिल्कुल एलएसी के पास पहुंच गए हैं और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एलएसी की वो तमाम तैयारी जो इंडियन आर्मी कर रही है और किस तरीके से कर रही है, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। अरुणाचल प्रदेश में टीवी 9 की टीम वहां तक गई जहां लोहित नदी के किनारे एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ चीन। सामने पड़ता है जो चाइना का जो पहला गांव है टाटो और वहीं पर उनकी आर्मी की पोस्ट है। तो ये तस्वीर बेहद एक्सक्लूसिव है, बेहद खास है। हम एलएसी के जितना नजदीक पहुंचते जा रहे थे हमें पिछले 10 साल में हुआ बदलाव साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो खास तौर से बॉर्डर पर सड़कों का ब्रिजेस का निर्माण करता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो LAC और LOC के आसपास सड़कों का निर्माण करती है जहाँ से फोर्सेस की जो मूवमेंट्स है वो इजीली हो सके, फोर्सेस अपनी गाड़ियों को ले जा सके, अपने हथियारों को ले जा सके। और आपको मैं यहाँ पर ये ब्रिज जो है वो आपको दिखा रही हूँ, एक ऐसा हैवी ब्रिज जो है वो यहाँ पर बन रहा है जिसकी अगर हम क्लास की अगर हम बात करें तो 70 टन क्लास से भी अबव ये जो है ये जो ब्रिज है वो बन रहा है, यानी कि इसके ऊपर से टैंक्स भी जा सकते हैं और बड़े बड़े वाहन भी हमारी जो फोर्सेस है उसके जा सकते हैं। तो एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस ब्रिज की कि किस तरह से तैयारी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है वो यहाँ पर कर रही है और डे एंड नाइट ये यहाँ पर काम किया जाता है। LAC के बिल्कुल नजदीक बने कई नए पुल पार करके हम वहां तक पहुंच गए जहां चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नई और घातक तोपें तैनात की गई हैं। सुरक्षा कारणों से हम इस जगह का नाम नहीं बताएंगे लेकिन हिंदुस्तान के इन हथियारों का पराक्रम जरूर दिखाएंगे। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LAC से बेहद नजदीक अपनी अल्ट्रा एडवांस होविट्सर गन M777 को तैनात किया है और खास तौर से इनकी तैनाती चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से की गई है। LAC पर तैनात ये हथियार भारत के बेहद घातक हथियार हैं। 24 से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी पर ये दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, एक बारी में ये 7 राउंड गोले छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से बेहद नजदीक M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर तोपों को तैनात किया है और ये तोप जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। LAC पर इस तरह की तैनाती है वो बढ़ाई गई है। ये तोप किसी भी मौसम में दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती हैं, इनकी रेंज में काफ़ी ज़्यादा होती है। चीन में चल रहे तनाव के बीच इन तोपों की तैनाती भारतीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ा रही है और ये M777 जो होविट्सर गन है वो हम आपको दिखा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में LAC से
बेहद नजदीक इन होवित्सर गनों को तैनात किया गया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। एलएसी पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर को बढ़ा रही है। इससे पहले इन तोपों की तैनाती लद्दाख सेक्टर के कुछ संवेदनशील हिस्सों में की गई थी और अब इसकी जो तैनाती हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न जोन है उसके पास इसकी तैनाती जो है वो बढ़ाई गई है। इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर नई M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोपों को तैनात किया है। ये तोपें उन सीक्रेट लोकेशन पर तैनात की गई हैं, जहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर घातक हमला हो सकता है। इस तोप से LRMP यानी लॉन्ग रेंज मनोवरिंग प्रोजेक्टाइल गोले भी दागे जा सकते हैं, जो किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आज भारत ने अपनी जो डिफेंसेस को बहुत मजबूत कर लिया है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, आज हमारे पास जो हथियार हैं डिप्लॉय लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश, वो काबिले तारीफ है। नई M777 होविट्सर तोपों के साथ LAC पर नई 155 mm कैलिबर गन और नई 105 mm लाइटवेट होविट्सर गन की तैनाती भी हुई है। इस वक्त हम जिस गन के सामने खड़े हुए हैं, इस गन को 105 mm गन कहा जाता है। एक ऐसी गन जो कि हमारी बहुत सारी फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात है। LOC की बात करें चाहे LAC की बात करें, दोनों जगहों पर ये गन तैनात है। और क्योंकि इस वक्त हम LAC पर मौजूद हैं, तो LAC पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 105 mm गन जो है वो खास तौर से तैनात की गई है। हालांकि जल्द ही इन तमाम तरह की जितने भी 105 mm गन है, इन्हें 155 mm गन होविट्सर गन से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस गन की भी बात करें तो इसकी मारक क्षमता भी बेहद खतरनाक है। दूर बैठे चोटी पर जो दुश्मन है ये उसको टारगेट कर सकती है और उसकी धज्जियां उड़ाने में ये जो गन्स हैं ये माहिर हैं। LAC के बिल्कुल नजदीक एक सीक्रेट लोकेशन पर तैनात नई होविट्सर M777 गन, नई 155 mm कैलिबर गन और नई लाइटवेट 105 mm तोपों की धमक हमने अपनी आंखों से देखी, अपने कानों से सुनी। लेकिन सवाल ये था कि जरूरत पड़ने पर ये तोपें इतनी दुर्गम टेरेन में बिल्कुल LAC तक पहुंचेंगी कैसे? LAC को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी आर्मी की मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो ब्रिज, इसकी जो खासियत है, सबसे बड़ी खासियत इस ब्रिज की ये है कि ये 70 टन क्लास का ब्रिज है, यानी कि इसके ऊपर से किसी भी तरह का टैंक और किसी भी तरह की जो भारी मशीनरी है आर्मी की, वो आसानी से जा सकती है LAC की ओर। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट करता है, यानी कि जब हम LAC की ओर बढ़ते हैं तो उसे कनेक्ट करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज होता था। बीते कुछ सालों में LAC के बिल्कुल नजदीक तेजी से पुलों और सड़कों का निर्माण हुआ है। अब आपको वो नए हथियार दिखाएंगे जो हिंदुस्तान के जंगबाजों के हाथों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन पहले LAC के बीचों बीच वो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग कॉम्प्लेक्स देखिए, जहां विवाद के दौरान चीन और भारत की सेना के अधिकारी बातचीत से मुद्दा सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये वही BPM पोस्ट है जहां पर दोनों देशों के जो कमांडर्स हैं, कमांडर लेवल की जो टॉक्स है वो यहां पर होती है। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट ये भारत और चीन के बीच में जो 5 रिकॉग्नाइज्ड मीटिंग पॉइंट्स हैं उनमें से एक है और ये सबसे उत्तर पूर्वी मीटिंग पॉइंट है। और डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से इधर जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के टास्क को अंजाम दिया जाता है। अब वो आधुनिक हथियार देखिए जिनके साथ जांबाज विस्तारवादी की बुरी नजर से हिंदुस्तान की इंच इंच जमीन की रक्षा भी कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में रेड आर्मी को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि भूल कर भी इस तरफ आए तो इन हथियारों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए नेगेव 7.62 mm लाइट मशीन गन
नेगेव लाइट मशीन गन का वजन सिर्फ 8 किलोग्राम होता है। इसराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन एक मिनट में करीब 700 गोलियां दाग सकती है। ये एक LMG गन है, खास तरह की गन है जो कि हमारे जवान जो हैं जब बॉर्डर पर तैनात होते हैं या हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेक्शन की फायर पावर को बढ़ाने के लिए न्यू जनरेशन वेपन को हमारी इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। इस वेपन का वेट 8.3 kg है। अब देखिए साको TRG-42 स्नाइपर राइफल, ये दुनिया भर में सबसे सटीक और भरोसेमंद हथियारों में से एक माना जाता है। इसकी 1500 मीटर तक की रेंज चौंकाने वाली है। इसका नाम साको राइफल है और ये किस तरह से काम करती है, क्योंकि ये एक तरीके से टारगेटेड हिट करती है, यानी कि दुश्मन को बिल्कुल सटीक निशाना लगाने का इसमें काम होता है। इसमें आप ये देखिए, उसे दूर से भी अगर हमें दुश्मन को टारगेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो ये एक तरीके से ये दूरबीन जो है जो इस पर लगी हुई है, इसे बोल्ट एक्शन सिद्धांत पे ये काम करती है, जिसमें 5 राउंड पड़ते हैं और 1200 मीटर पे किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को इससे आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। अब देखिए 6R राइफल, हाल ही में जवानों को एक्स्ट्रा 6R राइफल दिया गया है। 6716 अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बनती है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है। 500 मीटर तक की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकती है, लेकिन इसकी और क्या खासियत है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये वो वेपन सिस्टम है जो कि इंसास और AK-47 को एक तरीके से आने वाले समय में पूर्णतः रिप्लेस करेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे जवानों के पास अलग अलग बॉर्डर्स पे ये गन्स दी गई है, यहाँ पर हमारे जवानों के पास भी है। और अब वो रॉकेट लॉन्चर भी देख लीजिए जो LAC के पास चीन की चाल ध्वस्त करने पहुंच चुका है। ये एक रॉकेट लॉन्चर है और ये किस तरीके से काम करता है, बिल्कुल एडवांस न्यू टेक्निक का ये रॉकेट लॉन्चर है। इसका खास तौर से इस्तेमाल तब किया जाता है जब सामने दुश्मन की कोई बड़ी टुकड़ी हो या फिर उसका कोई टैंक हो। LAC तक नए पुल, नई सड़क और नए हथियार, ये बदलाव पिछले 10 साल में हुआ है। ये सबूत है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।